अस्सलाम वालेकुम। आज हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले 1 किलो चने इसमें भिगो दिए हैं उबालने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं जो हूँ इसमें 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसमें 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और फिर सावा धनिया और इसमें 1 स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। हम इसे 1/2 घंटा अभी दम पे छोड़ते हैं। अच्छा, मैं प्याज काट रही हूँ पकौड़ों के लिए। अब इसमें हरी मिर्च मेरी कट हो गई है प्याज में पकौड़ों के लिए। सबसे पहले इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा हाथ में लेके ऐसे मैंने चूरा कर लिया है 1/2 स्पून। साबुत धनिया लेंगे, हाफ स्पून पिसा हुआ धनिया लेंगे, 1/2 स्पून से भी बहुत कम। और ये लाल मिर्च ले लिए मैंने 1 स्पून। और 1/2 स्पून मैंने इसमें नमक ले लिया। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर ले। मेरे हाथ ज़रा कटे हुए हैं इसलिए मैं स्पून से कर रही हूँ। और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लें। और ये हमारा रेडी हो गया है। ये पकौड़े हमारे अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तकरीबन अभी से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरफ। अच्छा, ये मूंग की दाल के पकोड़े हैं। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल में मिल जाएगी। ये मूंग की दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमने रेडी कर दिया है। अच्छा, हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम मूंग की पकौड़ियाँ बना रहे हैं।
अच्छा अब मैं पकोड़े की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पकोड़े ऐड कर रही हूँ मैं। ले लो उसे। अच्छा तो हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए। अच्छा ये पकोड़े भी हमारे रेडी हो गए। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ।
तरफ मैंने पकोड़े बनाए हैं, एक तरफ मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं, दही बड़े बनाए हैं, और इसमें मैंने प्याज और धनिया काट के ऐड कर लिया है। ये जो हमारे चने रेडी हो गए हैं, इस वक्त हमें जितनी चाट चाहिए हम सिर्फ उतनी ही ऐड बनाएंगे। अब ये देखें कि चने में मैंने प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल दिया है। चाट रेडी हो गई है मेरी, और ये दही बड़े भी रेडी हो गए, आलू के पकौड़े भी रेडी हो गए, और आलू समोसे भी रेडी हो गए, और साथ हमने रूह अफ़ज़ा बनाया है। दुआओं में शामिल है, अपने हाथों को या इलाह अलामीन तेरी बारगाह में उठाया है, सबकी जायज हाजात को नेक तमन्नाओं को मुकम्मल